दोस्तों पुष्पा टू दी रूल के रिलीज से पहले एक शॉकिंग न्यूज सामने आई है। क्या देवीसी प्रसाद, जो पुष्पा के हिट गाने बनाने वाले म्यूजिक कंपोजर है, अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं है और उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है एस तमन से। आइए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक देवीसी प्रसाद, जो सुकुमार के ऑलमोस्ट सभी फिल्म का म्यूजिक स्कोर करते हैं, उन्होंने पुष्पा 2 का बैकग्राउंड स्कोर कंप्लीट नहीं किया। टाइट डेडलाइंस और दूसरे कमिटमेंट की वजह से उन्होंने टाइम नहीं दे पाए और इसी वजह से टीम ने एस तमन को ऑन बोर्ड कर लिया। इंटरेस्टिंगली देवीश्री प्रसाद के कंपोज्ड गाने फिल्म में अब भी रहेंगे, जैसे कि पहले रिलीज हुए दो हिट ट्रैक्स, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर के लिए एस तमन का काम अब लीड करेगा। ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी पेंडिंग है, लेकिन दोनों कंपोजर्स को क्रेडिट दिया जाएगा। पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन के लेजेंडरी रोल पुष्पा राज की कहानी को आगे बढ़ाता है, जिसमें रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल भी अपने रोल्स में वापस लौट रहे हैं। ये फिल्म 5 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। आपको क्या लगता है, डीएसपी और तमन के बीच कौन जीतेगा? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। फिल्मी दुनिया की और भी मजेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें सिनेमैटिक वर्स को।